पता है माधवी, मैंने अपनी सुनू के लिए ना सपना देखा है। मैं अपनी सुनू को MBA कराऊंगा, वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बनेगी। रे भाई ने सोनू को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। बराबर। वेल डन भिड़े भाई, वेल डन। एंड वेल डन सोनू, यू टू। इतनी बड़ी कंपनी की CEO बन गई। ये अपना सपना सच होगा ना? होगा, होगा और जरूर होगा। चलिए अभी सो जाइए, कल रिजल्ट लेने जाना है ना। हो हो हो। कोमल, ऑस्कर हो, कब तक ये लाइट ऑन ऑफ करती रहोगी? हंस, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। कल गोली का रिजल्ट है, वो पास तो होगा ना? हा? मेरा मतलब है, उसे अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ना? टेंशन तो मुझे भी हो रहा है कोमल। पता है, मैंने बचपन से ही सपना देखा है कि गोली बड़ा होकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। How is it possible? तुम्हारे बचपन में गोली कहाँ था? अरे कोमल, मैं अपने बचपन की नहीं, गोली के बचपन की बात कर रहा हूँ। याद है जब वो 6 महीने का था, उसने इंजेक्शन उठा के मुझे ही मार दिया था। तभी मुझे लगा था कि गोली आगे जाके डॉक्टर बनेगा। गोली बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो कितना प्यारा लगेगा ना? हाँ हंस, हमारा गोली बहुत बड़ा सर्जन बनेगा, वो बड़े बड़े ऑपरेशन करेगा। इनके पति का बचना तो नामुमकिन लग रहा है। सर्जरी चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ये सब तो भगवान के हाथ में। भगवान के नहीं, डॉक्टर गोली के हाथ में। क्या हुआ डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना मेरा बेटा? बोलिए ना डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कुछ तो बोलिए डॉक्टर साहब। अरे अरे बहन जी, आप रोइए मत, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पति सुरक्षित है। सच डॉक्टर? वो तो मैंने सिर्फ सांस लेने के लिए मास्क हटाया। आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। आप डॉक्टर नहीं, भगवान है। नहीं बहन जी, मारने और बचाने वाला सिर्फ एक होता है। हम तो सिर्फ इंसान है। थैंक यू डॉक्टर। कोमल, हमारा गोली मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बनेगा ना? वो हाथी खानदान का नाम रोशन करेगा ना? हंस, अभी से कैसे कह सकते हैं? अभी तो गोली छोटा है, स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ लेकिन कोमल, अगर अभी से हम उसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखेंगे तभी तो वो डॉक्टर बनेगा ना, वरना आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं नहीं हंस, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान करे उसका रिजल्ट अच्छा है। सही बात है। रोशन, तुझे पता है मैंने गैरेज क्यों खोला? हाँ, क्योंकि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए ना? और नहीं यार, और पढ़ाई लिखाई में तो मैं हमेशा नंबर 1 था, लेकिन मेरे पिताजी का एक सपना था कि अपना एक गैराज हो। बस पिताजी के सपने के लिए अब मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए। आयताजी किधू ने रोशन, ते एब्सोल्युटली परफेक्ट है, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप के दिल को सुकून पहुँचाते हैं ना, वो खुदाई जी के दिल के बहुत करीब होते हैं। ओ, एकदम सही कहा। ओ, लेकिन अपना गोगी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा ना, वो कल उसका रिजल्ट है, वो कहीं वो सोडी खानदान का नाग तो नहीं कटवा देगा? ठीक, ओवारियो ओवारियो सु ओवर जो बोले थे। देखना, हमारा गोगी है ना, अच्छे मार्क्स से पास होगा और पढ़ लिख कर बड़ा कार डीलर बनेगा। देश विदेश से लोग आएंगे उसके पास कार खरीदने। अच्छा, सबको लंबी और बड़ी गड्डी चाहिए? हाँ जी, ऐसी गाड़ी चाहिए जो किसी के पास ना हो। ठीक है जी, ठीक है, मिल जाएगी। और हाँ, आप अपनी सोसाइटी में रेलवे ट्रैक डलवा सकते हो। हाँ, अगर आप अपनी सोसाइटी में रेलवे ट्रैक डलवा सकते हो तो मैं आपको ट्रेन भी दिलवा सकता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रोशन सन्स कंपनी में कार्स ही नहीं बल्कि ट्रक, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन सब कुछ बेचती है। वाह सोडी पाजी वाह, तुसी ग्रेट हो। और ये जूनियर सोडी सा कुछ भी नहीं है, ग्रेट तो मेरे पापा जी। सीरियस सोडी है, सीरियस सोडी। ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। और रोशन,
और मेरी जान, एक दिन देखना मेरा गोगी पूरी दुनिया में गाड़ी बेचेगा और समंदरी जहाज बेचेगा, हवाई जहाज बेचेगा, और अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। और मेरे पुत्र ने तो पूरी दुनिया में मेरे नाम का डंका बजा दिया, अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा। खेलो थे उठी जा अत्तर गरी उठ। वो अब क्या हो गया? हमने अभी सिर्फ सपना देखा है, इसको सच करने के लिए गोगी का अच्छे मार्क से पास होना जरूरी है। ओ बिल्कुल सच कहा सुने हो, पर ये भी तो सच है कि हम कल की चिंता में और आज क्यों खराब करें। और चल फिर सो जाएं हाथी घोड़े और जिराफ बेचकर। तदन गेलो चतु। भूकंप भूकंप नहीं आ रहा है, वो तो मैं चिंता के मारे करवट बदल रहा था। चिंता? कैसी चिंता? टप्पू के रिजल्ट की चिंता। आपको भी टप्पू के रिजल्ट की ही चिंता हो रही थी? अरे क्या कर रही है? अरे सेम पेज। सेम पेज? अरे नहीं नहीं, अरे सरखा सरखा। क्या बोल रही है? वो क्या है, बचपन में हम सहेलियां जब भी एक जैसा सैम टू सैम सोचते थे या बोलते थे तो हम एक दूसरे को ऐसे चिंता काटते थे। हाँ भाई एक बार मैं पता चल गया। दरअसल मुझे अभी टप्पू के रिजल्ट की ही चिंता हो रही थी, तो होगा ना सैम टू सैम सैंपल। लेकिन देव मुझे सिर्फ टप्पू के रिजल्ट की चिंता नहीं है, एक और चिंता है। क्या? ये टप्पू बड़ा होके क्या बनेगा? अरे टप्पू बड़ा होके आपकी तरह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक बनेगा। उसमें बड़ा होने की क्या जरूरत है, वो तो अभी भी मालिक है। नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप समझो नहीं। देखिए बापूजी ने जब आपको दुकान दी तब एक गाड़े की थी, लेकिन आपने उसको दो गाड़े की बनाई और ऊपर से आपने गोडाउन भी बनाया। और अब टप्पू को देखना, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का पूरा महल बनाएगा। महल? महल? कौन बोला महल? मॉल, मॉल, बड़ा सा मॉल बनाएगा और उसमें देश विदेश के सभी फ्रिज टीवी मोबाइल फोन बिकते होंगे। और आप तो सिर्फ हमारे ही देश में बिजनेस करते हैं ना, लेकिन हमारा टप्पू वो तो दुनिया के सभी देशों में बिजनेस करेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग छोटे सेठ जी। गुड मॉर्निंग बागा अंकल। हेलो टिफेंड्रा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बागा अंकल। मेड इन चाइना। इनका नाम है चिंग चोंग पिंग पोंग। ये शांघाई में गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। हेलो हेलो। अब इंडिया के मोबाइल चाइना में बिकेंगे। लेकिन इन्हें कह दो कि हमारे दुकान में कोई भी डुप्लीकेट चीज नहीं बिकेगी। लिसन, नो डुप्लीकेशन। ओह नो नो नो। और हाँ बागा अंकल, मेरी जापान जाने की टिकट हो गई? वो हिंग चौं पांच फूं 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 जापान। I mean, why you going to Japan? आपको तो इंग्लिश आती है। ओ हाँ। जापान में मैं टीवी की फैक्ट्री खरीद रहा हूँ। अब जापान में भी गड़ा टीवी बनेंगे। गड़ा टीवी इन जापान। ओह ग्रेट ग्रेट। यू सिट देयर, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। जी हो। जी हाँ।
बागा अंकल हाँ। नट्टू काका को बुलाना। जी नट्टू काका। जी छोटे सेठ जी, मेरे लायक कोई सेवा? इज देयर एनी सर्विस फॉर मी? नहीं नट्टू काका, बस इतना ही कहना था कि इस महीने से आपका पगार डबल। थैंक यू टप्पू से, थैंक यू वेरी मच। आपने आपने तो मेरी बरसों की पगार बढ़ाने की तमन्ना आज पूरी कर दी। आप तो बड़े सेठ से भी आगे निकल गए। बागा बागा, बाप करता बेटो सवायो। हाँ नट्टू काका, हाँ थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। जय हो टप्पू सेठ। अरे जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की। नट्टू को पगार बढ़ो, जय जेठालाल सेठ की। नट्टू घेर आनंद भयो, जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की, जय टप्पूलाल सेठ की। दा 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 दा। दया, अगर हमारा टप्पू सच में इतना बड़ा व्यापारी बनेगा तो मजा आ जाएगा। अरे बनेगा ही, देखिए सबका लोही ए बी या ओ होता है, लेकिन हमारे टप्पू का लोही वी है। वी? ये कैसा लोही? वी याने व्यापारी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में अगर पूरी दुनिया में बिजनेस करना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है दया। ये बाहर के देश वालों को कच्ची नहीं आती? नहीं क्या हमारा टप्पू पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो ही गड़ा खानदान का नाम रोशन कर पाएगा। वैसे टप्पू के पापा इस मामले में सोडी भाई बहुत नसीब वाले हैं। नहीं किस मामले में? देखे ना उनका गोगी बड़ा होके कुछ करे या कुछ ना करे तो भी पूरी दुनिया में उनका नाम तो हमेशा रोशन ही रहेगा, क्योंकि उनका तो नाम ही है रोशन सिंह भाई सोढ़ी। अभी सो जा वरना ऐसी बातों से सच में भूकंप आ जाएगा। सो जा, चल। मैं बोलूंगा जो है वो ही बोला मैंने। सो जा अभी। ना आज इस तरफ कन्हैया जी, आपने गोकुल में लीला की थी और ये बच्चे गोकुल धाम में लीला करते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है बच्चों, आज इतने शांत क्यों हो? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हो क्या? पंडित जी आज हम बहुत टेंशन में, क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो ये बात है, कन्हैया जी को मक्खन लगाने आए हो? हाँ कन्हैया जी को मक्खन यानी बटर बहुत पसंद है ना। कोई पहले बोला तेरे को, मैं तो बटर लाया नहीं हूँ। बटर मतलब प्रार्थना, और भगवान जी तो हमेशा बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा ऐसा है, तो फटाफट शुरू हो जाओ। भगवान जी मुझे पता है कि फेल होने से एक ही स्टैंडर्ड में दो बार पढ़ाई करने को मिलती है, इससे बच्चे और भी होशियार हो जाते हैं, लेकिन ये बात हमारे मम्मी डैडी नहीं समझते, इसलिए भगवान मुझे पास करा देना प्लीज। हे किशन भगवान, जैसे आपके पीछे कंस मामा पढ़े थे, मेरे पीछे हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़े हैं, उससे बचा लेना प्लीज। देवा मैंने इस साल के एग्जाम में बहुत मेहनत की है, प्लीज मुझे इतने मार्क्स देना कि बाबा खुश हो जाएं। भगवान जी मैं नंबर गेम में नहीं मानता, लेकिन सारी दुनिया मानती है, तो प्लीज मुझे भी अच्छे मार्क्स दिला देना, और मुझे फेल तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे सारे दोस्त मुझसे अलग हो जाएंगे और मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता। भगवान पिंकू बेटा तुम्हें कुछ नहीं मांगना? नहीं मैं सिर्फ भगवान जी को थैंक्स कहने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पंडित जी पिंकू दूसरी स्कूल में पढ़ता है,
और उसका रिजल्ट तो एक वीक पहले ही आ गया है। और पिंकू तो वैसे भी स्कॉलर है, उसको तो A+ मिला है एग्जाम में। और पंडित जी, हमारी स्कूल ही है जो लेट रिजल्ट देती है, और रिजल्ट की टेंशन में हम लोगों का खेलने में भी मन नहीं लगता था। पता नहीं हमारा क्या रिजल्ट आएगा। अरे ईश्वर पे भरोसा रखो बेटा, सब अच्छा होगा। चलो फ्रेंड्स, अब घर जाते हैं। एक घंटे बाद हमें रिजल्ट लेने भी जाना है, और उससे पहले आई बाबा का आशीर्वाद भी लेना है। हाँ, चलो 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 चलो। अरे फ्रेंड्स, प्रसाद। हाँ। गोगी, ऊपर क्या देख रहा है? मैं कबूतर को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? कहते हैं कि कबूतर की जब पोटी हम पर गिरती है ना, तो वो गुडलक होता है। गोगी, आसमान में कौवे भी होते हैं, अगर उनकी पोटी गिरी ना तो बैड लक भी होता है। ओहो, सोने के भाव में अफरा तफरी, 1,000 रुपए गिरा। देखें भाई और खबर क्या है। खाने का तेल 100 रुपए और महंगा हुआ। हे भगवान, वारे जमाने, सोने का भाव गिरा तो हेडलाइन बन गई, और आम आदमी को जो चीज रोज चाहिए वो महंगी हो गई तो उसकी कोई खबर लेने वाला नहीं। बीच के पन्नों पे क्या? तारक, लीजिए ग्रीन टी। जी तारक, सुना है सोने के भाव कम हो गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने लिए सोने के 2 कंगन बनवा लूं। बहुत बढ़िया इच्छा है अंजलि तुम्हारी, और इन कंगनों के चक्कर में मैं कंगाल हो जाऊंगा, है ना? अरे भाई, सोने के भाव गिरते हैं ये बाकी सबके लिए खुशी की खबर होगी, पतियों के लिए खुशी की खबर नहीं है। जैसे सोने के भाव गिरे, बीवी अपनी फरमाइश लेकर तैयार। सुनिए जी, मैंने बहुत दिनों से झुमके नहीं बनवाए, बनवा लूं जरा, मेरे कंगन बनवा लेंगे, हार बनवा लूं तो कैसा रहेगा? हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारे शौक भी पूरे हो जाते हैं और सोने में इन्वेस्ट भी हो जाता है। 1 तीर 2 निशान। भाई मैं तुम्हें सोने के कंगन ही नहीं, तुम कहोगी तो प्लेटिनम के, डायमंड के, जैसा चाहोगी दुनिया की महंगी से महंगी धातु का बनवा के दूंगा। क्या? बस एक शर्त है छोटी सी। क्या? कि मुझे ग्रीन टी और करेले का जूस देना बंद कर दो प्लीज। तो फिर रहने दीजिए, क्योंकि मेरे लिए सोने के गहनों से ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। इस एक बात से तुमने साबित कर दिया अंजलि कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? तो फिर सोने के कंगन दिलाएंगे ना? अरे हाँ भाई, हाँ दिला दूंगा। अरे मना किया है मोहतरमा आपको कभी किसी चीज का? हाँ? अरे पति को सुखी रहना हो तो एक ही सिद्धांत का पालन कीजिए, बीवी को खुश रखिए। अरे चप्पू से ना, सुबह सुबह कहाँ गए थे? हम लोग मंदिर गए थे। अरे वाह, ये लीजिए प्रसाद, ये लीजिए अंकल। हाँ, ये लीजिए सो मच। आप लोग मंदिर, क्या हो गया भाई आज? विस्तार में समझाए तो आज हम लोग का रिजल्ट है, परिस्थिति विकट है, गिरने वाली विकेट है। ओहो, गोली साहब आप तो शायर होते जा रहे हैं। पता नहीं रिजल्ट में झंडे गाड़ेंगे या फिर अंडे आएंगे। आप भी? अरे बच्चों, खेत में अगर अच्छा बीज डालेंगे, अच्छी खाद देंगे तो फसल तो अच्छी होगी। अंकल अपने खेती कब से शुरू की? गोगी साहब, मैंने खेती नहीं शुरू की भाई, मैं तो लेखक ही हूँ, तुम्हें उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि अगर तुमने पढ़ाई ठीक ढंग से की होगी, मेहनत की होगी अच्छी से, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अंकल हमने मेहनत की है ये हमें पता है, पर पेपर चेक करने वाले को नहीं पता ना। और अगर हम लोग फेल हो गए तो हमारे मम्मी पापा हमें सजा देने के बजाय खुद को ही सजा देंगे। अगर लास्ट टाइम से मेरे रिजल्ट में 1 मार्क भी कम आया तो बाबा खाना छोड़ देंगे और उपवास पे उतर जाएंगे। मेरे पापा तो हंसना गाना ही छोड़ देंगे। अरे बेटा, अगर मेरा रिजल्ट 19-20 आया तो पता नहीं मेरे पापा क्या करेंगे। टप्पू, अगर ऐसा खराब रिजल्ट लाना है तो पढ़ाई छोड़ दे, कल से दुकान पे बैठ जा। तूने तो मेरी नाक और मेरे मुंह दोनों कटवा दिए। तूने तो गड़ा खानदान का नाम डुबो दिया। नहीं, तू मेरे पिताजी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मेरा रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। परीक्षा और परिणाम, यानी कि एग्जाम्स और रिजल्ट्स, दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुन के बच्चे तो बच्चे, माँ बाप को भी पसीना आ जाता है सब।
अब देखिए ना, इधर टप्पू से ना टेंशन में है कि क्या रिजल्ट होगा, और माँ बाप वो और ज्यादा टेंशन में है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े सपने देख रखे हैं बच्चों के लिए। क्या करें साहब, आजकल मेरे ख्याल से माँ बाप के सपने बच्चों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। यहाँ टप्पू सेना टेंशन में और पेरेंट्स भी टेंशन में, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हम हंसी लेके आते रहेंगे। हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट जो भी हो आपके घरों में हंसी का रिजल्ट। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।